शुक्रिया सखावत भाई। सर एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। मोमना से पूछना उसने तुम्हें अकेला क्यों भेजा। अब रहने देना सखावत भाई, आपको देर हो जाएगी। क्या मतलब रहने दो, ये कोई छोटी बात है? वो अच्छी तरह जानती है मैं तुम दोनों को अकेला बाहर नहीं निकलने देता। चलो चलो। जाकर बुलाओ उसे। बाजी आटा गून रही थी ना, तो हाथ धोने गई है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं खुद देख के आता हूँ। हेलो यार, कहाँ रह गए? कितनी देर लगेगी और? दुकान पे रश लगा हुआ है यार, जल्दी आ, मुझे भी जाना है। ठीक है मैं आ रहा हूँ, अभी रहने दो, रात में आके बात करता हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। जानती हूँ, लेकिन एक पहलू ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि मेरे क्लास फेलोज, यूनिवर्सिटी फेलोज भी नहीं जानते। अब तुम ये मत कहना कि तुम एक प्याज हो जो एक एक करके अपने फॉल उतारते। कुछ शेयर करना चाहिए। बोलो क्या हुआ अम्मी? इतनी देर हो गई है और पापा अभी तक आए नहीं है। बेटा उनका फोन आया था, बस आने ही वाले हैं, रास्ते में है। अभी तो वो आएंगे, खुद तैयार होंगे। जब तक ममाना अंकल की रस्म भी खत्म हो चुकी होगी। नहीं बेटा, उन्हें तैयार नहीं होना है, वो हमें बस छोड़कर वापस ऑफिस चले जाएंगे। हमको ऑफिस में आज बहुत काम है, और वैसे भी तुम्हारे चाचू की मंगनी तुम्हारे बगैर शुरू नहीं होगी। हेलो जी, बोल रही हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में? मैं आती हूँ। क्या हुआ अम्मी? बेटा वो हमारे पापा का ना एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम यहीं रुको ठीक है? अम्मी आप मुझे बाबा के पास लेकर जाए ना। बेटा हॉस्पिटल में ना बच्चों को अंदर नहीं जाने देते। आप मुझसे रोज ऐसा ही कहती हैं और मुझे अपने साथ ही लेकर जाती हैं। मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे उनके बगैर रहा नहीं जा रहा। और आपको पता है मैं उन्हें इतना मिस कर रहा हूँ। मुलाकात के वक्त बच्चों को मिलने देते हैं। मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से पूछा था, आप बस मुझे जानबूझ कर नहीं लेकर जाती। अच्छा जब तुम्हारे बाबा सेहतियाब होकर घर आ जाएंगे ना, फिर उनसे मिल लेना ठीक है? अब मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। चलो शाबाश, ये लो आज आशाबाश। बाकर Thank you.
बाकर आज भी अब कहेंगी कि बाबा को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली, एक दो दिन की बात है फिर वो आ जाएंगे। तुम्हारे बाबा ने कहे कि वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। आज भी इन सारी चीजों से दिल बहलाएंगी। अम्मी अब अस्पताल में रात क्यों नहीं गुजार लेती हैं? पूरा दिन तो अस्पताल में होती हैं, मैं पूरा दिन घर पे अकेला होता हूँ, रात भी अकेला गुजार लूंगा। बाकर बेटा। पापा पापा व्हीलचेयर पे क्यों है? मम्मा ने तो कहा था ना कि आप बिल्कुल ठीक हो करेंगे। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। बेटा बेटा तुम्हारे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई, अभी हमेशा व्हीलचेयर पे रहेंगे। तकरीब में एक जिन आया, लड़कियों ने जिन को देखकर चीखें मारी। एक बाबा आए, उन्होंने लड़कियों से कहा कि जाकर वजू कर लो। लड़कियों ने वजू किया तो जिन उन्हें देखकर चीखें मारने लगा।
जाइए बेटा। ये बात समझ आई नहीं या अम्मी ने समझाई नहीं, कैसे मीठी बातें करूं जब मीठी चीज खाई नहीं। बाकर बेटा तुम ठीक तो हो? आप ही भी पकाते हैं हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं? जब नानी के मियाँ नाना हैं और दादी के मियाँ दादा हैं, तो फिर बाजी के शौहर क्यों बाजा नहीं? इसे क्या हो गया है जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर बिल्ली शेर की खाला है तो फिर हमने क्यों उसे पाला है? क्या शेर बहुत नालायक है अपनी खाला को मारने का लाए? या जंगल के राजा के पास मिलती दूध मलाई नहीं? खैर देख लीजिए कि आपका बेटा पागल तो नहीं हो गया है। क्यों लंबे बाल है भालू के, क्यों उसने टिंट कराई नहीं? क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब भाई नहीं? क्या वो उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं? ये बात समझ आई नहीं या अम्मी ने समझाई नहीं, कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज खाई नहीं? इरा मेरे बात अपने अम्मी अबू से कब मिलवा रहे हो? मुझे मिलना है, मुझे वो भी जल्दी। अटेंशन प्लीज, कोई आपसे मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। माँ, बाबा और ये मोमना, आप लोगों से मिलना चाहती थी। किस सिलसिले में? माँ ये सारे सिलसिले आप खड़े खड़े पूछेंगे या बैठने का भी कहेंगे? याद आया, मैं भी तो उसी घर का फर्ज हूँ। आप बैठिए ना, अपना घर समझिए, शर्मा क्यों रही हैं आप? आप ठंडा लेंगे, गरम लेंगे या बाहर से कुछ ऑर्डर करूँ आपके लिए? बाकर बेटा, मसाज करने का भी मौका महल होता है, बदमाश कहीं के। बेटा आओ, बेटा आप बैठो, आ जाओ। शाबाश। अरे बेटा तुम तो जानती हो ना कितना नॉटी बॉय है ये। अरे आप क्यों खड़े हैं, आप तो बैठिए ना। अच्छा क्या नाम बताया था बेटे तुमने अपना? मोमिना। हाँ मोमिना। माँ तुम किसको ले आए हो? अरे माँ क्या करें, चम्मच मारेंगे क्या? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल बाकर। बहू लेकर आया हूँ आपके लिए। क्या बहू? हाँ मैंने सोचा आप इस उम्र में कहाँ मेरे लिए दुल्हन ढूंढती फिरेंगे, आखिर अकलौते बेटे की शादी करनी है या नहीं, तो बहू ले आया आपके लिए। अरे माँ मैं मजाक कह रहा हूँ, अपने लिए बहू आप खुद ढूंढ के लेकर आएंगी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यहाँ क्यों आई है? दोस्त है, आपसे मिलना चाह रही थी तो ले आया। तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इसके साथ? क्या हो गया है माँ, मजाक कर रहा था। वो देखे पापा किस तरह गपशप कर रहे हैं उससे। और एक आप है, टेंशन ही लेती रहती हैं। क्या हुआ है, फोन आ रहा है तुम्हारा, अटेंड क्यों नहीं कर रहे?
दोस्त की कॉल है, करता हूँ बात। माँ आप उनके लिए चाय वगैरह लेकर आए, वो सोच रहे हुई किसी चीज का पूछा भी नहीं। अच्छा कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, अब बार बार मेरा फोन काट रहा है। मिशेल वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा खुद पे इख्तियार नहीं है। तुम अपने आप को डिग्रेड कर रही हो, यूं किसी के पीछे पड़ना अपनी अहमियत खो देता है बेटा। मुझे किसी भी तरह उस तक अपनी फीलिंग्स पहुंचानी है, चाहे मैं उसके पीछे पड़ी रहूं या फिर उसे रूम डेकोरेट करने के बहाने घर बुला। अब कहाँ जा रही हो? तो इस वक्त सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है। आज से पहले उसने मुझे कभी इस तरह इग्नोर नहीं किया। I have to go. मिशेल जिस दिन मैं घर से निकलूंगी ना पूरी दुनिया को याद आ जाएगा कि जाके मोमिना की खबर लेनी है। जब मैं घर पे होती हूँ तब किसी को भी याद नहीं होती। अब आ गई थी मिशेल भी पीछे से, सखावत भाई को भी मेरी बहुत ज्यादा याद आने लग गई, हद होती है वैसे। अच्छा बाप परेशान मत हो, आपको पता है सखावत भाई का गुस्सा सिर्फ वक्त ही होता है, जब ताजा ताजा गलती होती है उस वक्त तक होता है, फिर ठंडा हो जाता है। शिला पी आप काफी दिनों बाद नजर आए। आई तो हूँ ना, तुम्हें और तुम्हारी आपी को तो मुझसे मिलने की भी फुर्सत नहीं है। वैसे कहाँ है मोमना? वो घर पर नहीं है। नहीं है, कहाँ गई है? वो डॉक्टर के पास नहीं है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझसे फोन कर देती, इससे पहले भी तो एक दो बार हॉस्पिटल लेकर गई। आप अंदर चले ना। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलके बहुत अच्छा लगा, इतना सुकून मिला मुझे कि मैं बता नहीं सकती तुम। अच्छा उनसे मिलके सुकून मिला, मुझसे मिलके सुकून नहीं मिलता तुम्हें? हाँ हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, सीरियस हूँ पता है। मैं ये सुकून ना हमेशा हमेशा के लिए हासिल करना चाहती हूँ। जितनी खिदमत मैं तुम्हारी करना चाहती हूँ ना मैं चाहती हूँ उतनी उनकी भी करूँ, ताकि वो अपने सारे गम सारी परेशानियां भूल जाए। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी बात अब आंटी अंकल से कह देनी चाहिए शादी की। बाकी मिशेल की कॉल आ रही है। कॉल रिसीव नहीं करना, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम साथ हैं। तुम घर जाकर उसे कॉल बैक करना, मैं ड्रॉप करके मैं भी उसी के घर चला जाऊंगा। कहा था ना मैंने, उठा लो सुबह कॉल उसकी। मोमना मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। वो डॉक्टर के पास बैठी होंगी इसीलिए कॉल अटेंड नहीं कर रही। मिशेल आप ही चाय तो पी लें। अभी जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन मोमना से मिलने आऊंगी तो पी लूंगी।
मिशेल, आई एम रियली सॉरी, मसरूफियत की वजह से तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका, बट प्लीज मैं आता हूँ। वैसे तुम कहाँ पर हो? हाँ मैं घर पर हूँ, एक फैमिली मैटर हैंडल कर रहा हूँ। कल आ रहे हो ना? हाँ हाँ जरूर यार, तुमसे कमिट जो किया और तुम्हारा कमरा इतना अच्छा बना के दूंगा कि तुम याद रखोगे। इट्स ओके पंकज, मैं तुम्हारी मसरूफियत समझ सकती हूँ। टेक योर टाइम, कल मिलते हैं। टेक केयर। मोमना आपी, अब और झूठ नहीं बोला जाता मुझसे, खास तौर पे सखावत भाई से। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब वो आपका नाम पूछते हुए अंदर आ रहे थे। तो शुक्र करें कि एंड मौके पे प्रशांत भाई की कॉल आ गई, वरना तो आज मेरा झूठ पकड़ा जाना था और आपकी भी शामत आनी थी साथ में। एक तो ना मुझे समझ भी नहीं आती है, जिस दिन मैं घर से निकलूंगी ना पूरी दुनिया को याद आ जाएगा कि जाके मोमना की खबर लेनी है। जब मैं घर पे होती हूँ तब किसी को भी याद नहीं होती, अब आ गई थी मिशेल भी पीछे से, सखावत भाई को भी मेरी बहुत ज्यादा याद आने लग गई, हद होती है वैसे। अच्छा बाप परेशान मत, आपको पता है सखावत भाई का गुस्सा सिर्फ वक्त ही होता है, जब ताजा ताजा गलती होती है उस वक्त तक होता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो मैं तो कुछ कहना नहीं है, मुझे ही कहना है ना। मोमना तुम आ गई? ओ हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी, बेहतर है काफी ज्यादा। वो बबली बता रही थी मुझे कि तुम आई थी सुबह में, कॉल में इसलिए नहीं अटेंड कर सकी क्योंकि मैं रास्ते में थी ना। कोई बात नहीं, मैं भी इसलिए फौरन वापस आई कि तुम्हें देखकर एक बार तसल्ली कर लूं। वैसे डॉक्टर के पास जाने के लिए इतना बनने सवरने और मेकअप करने की क्या जरूरत थी? ये इलाज के बहाने डॉक्टर के साथ डेट मारने तो नहीं गई थी? बबली तुम एक काम करो, जाके हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। मिशेल एक सीन है, इतना उतरा बैठो। फिर वही खाली खुली डेट और कुछ नहीं। फरहान भाई डेट ऐसी ही होती है। बाबा तुम्हारे जैसे लोगों की डेट ऐसी होती है, हमारी डेट तो इससे भी आगे की होती है। तुम जैसे लड़के लड़की की शक्ल देखते हो, बातें करते हो उससे, अपना पैसा और वक्त जाया करते हो, वो लड़की आती है तुमसे आइसक्रीम और बर्गर खाकर चली जाती है और अगली डेट आने तक तुमसे इजी लोड भी करवाती है, और तुम लोग हमारे जैसे दोस्तों को आकर बताते हो बाबा बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, तेरे भाई ने क्या लड़की पटाई है, एक मर्तबा देखेगा तो बस देखता रह जाएगा। फरहान भाई मैं आपसे जॉब की बात करने आया हूँ, और आप बात पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। बाबा लग गया हूं, कोई रिस्पांस मिलेगा तो बात बनेगी। पता नहीं कब रिस्पांस मिलेगा, मेरे पेरेंट्स जॉब की उम्मीद बांधे बैठे, मैं बजाय उनको कमा कर देने के उल्टा उनसे खा रहा हूँ। जॉब का आसरा कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया है मुझे। तो बाबा मैंने कब कहा है जॉब के आसरे में हाथ पांव भी मत मारो, मना किया है मैंने तुम्हें, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं होती कुछ ना कुछ तो करो ना। बाबा गवर्नमेंट की जॉब है, असामियों के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बड़ी बड़ी टेबलों तक पहुंचाने के लिए अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अब इससे ज्यादा और क्या करूं मैं। माजरत फरहान भाई, मेरा मकसद हरगिज़ आपको ब्लेम करना नहीं था, I'm really sorry अगर आपको बुरा लगा। कोई बात नहीं बाबा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जॉब का कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक बात बता, उस लड़की के साथ शादी के चक्कर में तो नहीं? क्यों जूते मार रहे हैं फरहान भाई, यहाँ जॉब के लाले पड़े हैं, और आप ही तो कहते हैं गुर्बत की शादी में मोहब्बत का भूत उतर जाता है, रोमांस की जगह लड़ाई झगड़े शिकवे ले लेते हैं।
और मैं जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहता जिस पे बाद में मुझे पछताना पड़े। हो जाएगा बाबा, हो जाएगा, मर्द बन यार, ऐसे सर लटका के तो काम नहीं बनेगा ना बाबा, शेरों की तरह ये सीना चौड़ा करके चल। मिशेल, मैं एक रिश्ते में जुड़ गई हूँ। पाकर के साथ? वो हाँ लाओ बबली, वो मेरा फोन प्लीज चार्ज पे लगा दो, प्लीज प्लीज। मैं आज डॉक्टर पे नहीं गई थी, मैं पाकर के साथ थी। पाकर के साथ? जब तुम्हारी कॉल आई थी ना तो मैं वहीं उसके साथ बैठी हुई थी। मैंने उसको डांटा था, बल्कि मैं उससे नाराज भी हुई थी कि तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहा, वो बता क्यों नहीं रहा। लेकिन वो पता नहीं कह रहा था कि वो अभी तुमसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाह रहा। मैंने उसको बोला कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं और उसको बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और एक ही एक दोस्त है मेरी, उससे शेयर नहीं करूंगी तो किसे करूंगी। मोमना, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना? मुझे पता था कि जब तुम्हें पता चलेगा, सबसे ज्यादा खुश तुम ही होगी हमारे लिए और सपोर्ट भी करोगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर पर से बोझ उतर गया है। लेकिन एक मसला है मिशेल, बाकी कभी सीरियस होता ही नहीं है। मैं जब उससे शादी की बात करती हूँ, वो पता नहीं मेरी बात को टाल देता है, इधर उधर की बातें करने लग जाता है मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो चाहता क्या है। तुम करो ना बात उससे, उसे समझाने की कोशिश करो। हाँ, मैं उससे बात करूंगी, डोंट वरी। हाँ, तुम ही समझा सकती हो, सबसे करीब भी हो। पागल हो गई हो मिशेल, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है, उसे दस्तबरदार होने के बजाय उसके लिए जवाब पैदा कर रही हो, दलीलें दे रही हो। अगर मैं आपसे मोहब्बत ना करूं तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करना छोड़ देंगी? ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? सीधा सा सवाल किया है, सीधा सा जवाब चाहिए। खामोशी में ही मेरा जवाब, आप फिर भी मुझसे मोहब्बत करेंगे, इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि बदले में मैं आपसे मोहब्बत करना कब शुरू करूंगी। क्योंकि आपको मोहब्बत है तो है। मुझे ये उम्मीद होगी कि एक दिन मेरी औलाद मेरी मोहब्बत को समझेगी जब वो खुद माँ बनेगी। लेकिन क्या तुम्हें उम्मीद है कि मोमना, जिसको बाकर बेइंतहा चाहता है, तुम्हारी मोहब्बत को पहचान पाएगा, खुद को तुम दोनों के दरमियान बांट पाएगा, या फिर तुम दोनों में से किसी एक को छोड़कर दूसरे का इंतखाब करेगा? नहीं, मोमना पूरी तरह उसके दिल में उतर चुकी है। ये तो तुम ही हो जो बेकार में भटक रही हो, वक्त जाया कर रही हो। वक्त जाया नहीं कर रही मामा, पाकर मोमना में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मोमना को लेके सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होता तो मोमना मुझे क्यों कहती पाकर से बात करने के लिए? महीनों महीनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और मोमना का वो कजन सखावत, वो तो बचपन से बाकर को पसंद नहीं करता। अगर उसे इन दोनों के रिलेशन का पता चल गया तो वो मोमना को नहीं छोड़ेगा।
मुमना भी, आप अब तक यहाँ पर खड़ी हैं? हम इतने आगे निकल चुके थे, कब से इंतजार कर रहे थे आपका, मुझे वापस आना पड़ा। चले, मैं बस ये जोड़ा देख रही थी। चलो आ रहे है। पकड़ना जरा एक सेकंड, मैं ट्राई करूं। दुपट्टा पकड़ो, हार नहीं। आंटी देखिए, मुझ पर तो और भी प्यारा लग रहा है। मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी देखूं। खैर तो जाओ, भी मुझे तो ट्राई कर लेने दो सही तरह। पकड़ो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, दिखाना जरा मुझे। ठहरो एक सेकंड, निकल जाए। आंटी वैसे मेरे पास पैसे आए ना, मैं सारे आपको दे दूंगी, ताकि आप मेरे लिए इसी तरह का हार लेकर आए। अरे लाओ भाई, इधर दे दो, पराई चीज है भाई। मोमना तुम्हें मैंने हार के दिखाया, तुम तो इससे चिमट ही गई। तो अच्छा ही इतना है ना, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो लाओ छोड़ो। है ना, मैं तो हो गई रेडी। लेकिन आप ये ना पहने। एमी ना पहनूं, इतना दिल कर रहा है मेरा पहनने का? सखावत भाई देखेंगे तो नाराज होंगे। हाय हाय, मैं छुपा के चलूंगी, उनको नहीं पता चलेगा, उनके पीछे चलूंगी मैं, इतना नोटिस नहीं करने वाले। वो हमारे साथ चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो नोटिस नहीं करेंगे। आपको नहीं पता वो एक एक चीज नोटिस करते हैं। एक तो ना, मैं बचपन से मुझे हील्स पहनने का इतना शौक है, मजाल है जो मुझे एक दफा भी पहनने दी उन्होंने। ये भी मैं मिशेल से लेकर आई थी कि बिशारत भाई की तरफ जाएंगे ईदी मिलने, तो मैं पहन लूंगी जाते हुए। पर तुम ठीक ही कह रहे हो, डांट खाने से अच्छा है कि उतार ही दो। आप